जय श्री कृष्णा, केम छो? जय श्री कृष्णा, केम छो अभिषेक? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम सॉरी, आई वाज फिनिशिंग अप अनदर इंटरव्यू एंड देन आई केप्ट सेंडिंग यू मैसेजेस बट देन यू जस्ट रिप्लाइड, सो हियर आई एम। हाउ आर यू? फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ आर यू? हाउ इज योर हेल्थ? आई होप यू आर वेल एंड यू आर सेफ एंड योर फैमिली इज सेफ। यस, माय फैमिली इज सेफ, आई एम सेफ, एंड आई होप द सेम फॉर योर फैमिली एंड यू। Yes, I'm actually in Lucknow right now. I'm shooting. I'm shooting in Lucknow. So my family's back home in Mumbai. They're all well, they're all safe. Thank you for asking. So if I can ask, Lucknow mein kiski shooting chal rahi hai? Film ki ya web series ki? I'm shooting for a film called Dasveen. ये मेरी नई फिल्म है। हम लोग इससे पहले आगरा में शूटिंग कर रहे थे और अभी आगरा से अभी लखनऊ आए हैं। सो आई एम शूटिंग माय फिल्म दसवीं, इसे खत्म, आई विल फिनिश इन अनदर 2 वीक्स एंड देन आई गो एंड स्टार्ट शूटिंग फॉर ब्रीथ व्हिच इज अ वेब सीरीज दैट आई डिड लास्ट ईयर फॉर Amazon एंड आई कैरी दैट। आई जस्ट लव दैट वन एंड आई एंड यू मिस दैट ट्वीट व्हेन आई प्रेज्ड यू अ लॉट। व्हेन आई टैग यू, यू नेवर नोटिस। व्हेन आई डोंट टैग यू, यू नोटिस। व्हाट्स रॉन्ग? No, you know, somebody in my team said, oh, you know, Aditi, you should check her out. So I saw your, you did a review of Paglet. Yes. So I saw that and I thought it was so nicely done. And I was so intrigued and then I followed up and then I came across your tweet. So I have tweeted you. And then that news became news. And now you're going to call me from tomorrow. Oh, I'm sorry. No, that wasn't the intention. But I must say that आपने ये जो ट्वीट किया उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन भेजे, बिकॉज बहुत सारे गुजराती लोग हैं जो कि आपको बेहद प्यार करते हैं, बिकॉज देर इज द कनेक्शन विथ यू, विथ योर फादर ऑल्सो। गुजरात टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर भी बच्चन साहब है। योर फर्स्ट फिल्म की शूटिंग कच्छ में हुई थी, आई विजिटेड दैट स्पॉट ऑल्सो। अच्छा, रेफ्यूजी? जी जी, हम लोग कुछ करीबन 1.5 साल वहां शूटिंग किए थे। दे लव्स यू वहाँ। और हाँ, जैसे ही हमारी शूटिंग हो गई उसके कुछ 1 या 2 साल बाद में वो बहुत ही टेरिबल भूकंप सी आ गई थी वहाँ भुज में, और जहाँ हम लोग ने शूटिंग किया था जो छतरियां थी, हम लोग ने एक गाना किया था करीना और मैंने वहाँ, दैट अनफॉर्चुनेटली वाज ऑल लेवल्स, इट वाज अ ग्रेट ट्रेजेडी। लेकिन बहुत अच्छी अच्छी जो है कहानियां वहां से निकली थी हमारे, जब हम लोग वहाँ काम कर रहे थे, यादें बहुत जुड़े हुए हैं। तो गुजरात के साथ हमेशा एक नाता रहा है, एंड वन ऑफ द फर्स्ट प्लेसेस आई वेंट टू प्रमोट रेफ्यूजी उन दिनों, आजकल ये जो हम लोग ये सिटी विजिट्स करते हैं वो सब नहीं होता था, बट वी डिसाइडेड टू स्टार्ट विथ रेफ्यूजी, और हमने शुरुआत की थी अहमदाबाद में। और मुझे याद है कि तो हमारे जब पहली बार हम लोग पब्लिक में गए थे वो अहमदाबाद में गए थे, तब से हमेशा एक नाता सा रहा है। एंड देन ऑब्वियसली लाइक यू सेड, डैड हैज बीन द टूरिज्म एंबेसडर, लेकिन जब भी मैं गुजरात आया हूँ वहाँ बहुत सारा प्यार मिला है, बहुत सारा जलेबी गाठिया वो भी सब मिलता है, बहुत कुछ, और खाना मुझे बहुत ही, तो आई लव कमिंग टू अहमदाबाद, आई लव इट। मैंने ऐसा सुना है अभिषेक, ये रूमर है या सच वो आप ही कंफर्म कर सकते हो, दैट आप जब भी अहमदाबाद आते हो आप इस्कॉन गाठिया खाते हो। गाठिया यहाँ से पैक करवाया कभी आपने? बहुत बार। अच्छा, बहुत बार। देखिए, मुझे खाना बहुत ही पसंद है, मैं उन एक्टरों में से नहीं हूँ जो खाने से डरते हैं, और खाते पीते रहना चाहिए, बट जब भी जैसे अहमदाबाद में लैंड करूँ एयरपोर्ट से डायरेक्टली मैं गोवर्धन थाल जाता हूँ, आई लव इट्स माय फेवरेट रेस्टोरेंट। और मुझे याद है एक बार मैं जब वहां पहुंचा था कबड्डी के लिए, ट्रांसटेरिया स्टेडियम में गुजरात सुपर फॉर्चून जायंट्स जो है वो वहां खेलते हैं, मेरी जो जयपुर की टीम है जयपुर पिंक पैंथर्स, हम लोग वहां खेलने गए थे, लेकिन इट वाज ड्यूरिंग नवरात्रि, सो एवरीथिंग वाज शट। और मुझे याद है कि मैच के बाद हम लोग जब निकले मुझे तेज भूख लगी थी, मैंने कहा यार अपने मैनेजर से कि यार ये इनको जरा फोन करके पूछो कि क्या आ सकते हैं, रेस्टोरेंट खुला है। तो उन्हें फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया, फिर 1 घंटे बाद फिर से फोन किया, फिर पता चला कि वो कहीं डांडिया खेल रहे थे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भैया देखिए मैं कल सुबह जल्दी जल्द निकलने वाला हूँ, मुझे थाली खाने का बहुत मन कर रहा है। सो ही वाज सो स्वीट, ही लेफ्ट एवरीथिंग, उन्होंने जाके रेस्टोरेंट खोला मेरे लिए, चुपचाप बैठ के मैंने थाली खाया अकेले। आई लव्ड इट, आई लव्ड इट।
सो अभिषेक बच्चन इज ऑफिशियली अ जोर फूडी. जोर इज लाइक सुपर ऑसम फूड जो होता है. आप लोग हैशटैग फूड कौन बोलते हो, हम लोग हैशटैग जोर फूड बोलते हैं. सो फुल ऑन, सो यू आर फुल ऑन जोर फूडी एंड यू लव लचको दाल. आई लव लचको दाल. लचको दाल इज कम्फर्ट फूड ना, दिन भर आप काम करके जब थक के घर लौट आए और लचको दाल गर्मा गर्मा आपको मिल जाए तो आहा हा. So this is must be a first Instagram live of your life also, जहाँ पे हमने शुरुआत के 10 मिनट सिर्फ खाने की बात की है. ये अच्छी बात है ना, शुभारंभ करना चाहिए हर चीज के लिए. शुभारंभ करना चाहिए और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तो गुजराती हूँ, जैसे ही आपका ट्वीट देखा मैंने सोचा न्यूज व्यूज तो ठीक है बन रहे हैं, किसी को लगा मैंने ट्रोल करने के लिए लिखा होगा, बट दैट वॉज नॉट द इंटेंशन. आई ट्वीटेड एंड आई सेड नो आई लव, आई रियली डोंट वॉन्ट टू कम्पेयर द फिल्म विद द वेब सीरीज बिकॉज वेब सीरीज इज अ डिफरेंट मार्केट, फिल्म इज अ डिफरेंट मार्केट एंड वी एनी वे लव योर कैरेक्टर इन गुरु. सो मैनी पीपल हैव यू नो सेड कि आप सिर्फ अभिषेक को इतना बोलना कि वो धीरो भाई वाला जो उन्होंने किया है ना भाई. So that accent में लोगों ने मुझे DM किए हुए है कि अभिषेक सही में आ रहे हैं Instagram live पे, आप क्या बातें करोगे, आप सिर्फ फिल्म की बातें करोगे या उनका गुजरात कनेक्शन भी जानोगे. मैंने बोला नहीं, अब मैं इंटरव्यू कर रही हूँ तो फिर गुजरात की ज्यादा बातें होने वाली. जी बिल्कुल नहीं, देखिए सबसे पहले स्कैम 1992 मैंने पिछले साल देखी थी, मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी. डायरेक्शन, एक्टिंग, राइटिंग, हर डिपार्टमेंट ने बहुत ही उमदा काम किया है और जितने भी एक्टर्स थे सब गुजराती नहीं थे, ज्यादातर गुजराती थे, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है. लेकिन हमने जैसे आपने कहा एक फिल्म बनाई है और फिल्म और वेब सीरीज जैसे आपने सही कहा बहुत ही अलग चीजें हैं, क्योंकि वेब सीरीज में तो 10 एपिसोड होते हैं, 8, 10 या 12 एपिसोड होते हैं, तो समय आपके पास ज्यादा रहता है कि आप अपनी कहानी जो है एकदम डिटेल में सुना पाए. फिल्म 2-2.5 घंटे मिलते हैं और उस 2-2.5 घंटे में हमको सब कुछ निपटा देना चाहिए और वो जितने ड्रामेटिकली हो कहानी सुनाने की कोशिश करते हैं. हम लोग जो देसी लोग हैं हमें अपना थोड़ा तड़का भी डालना पड़ता है अपनी फिल्मों में. मैंने हमेशा कहा है हमारी जो हिंदुस्तानी फिल्में हैं वो हमारी थाली जैसे हैं, उसमें हर किस्म का पकवान होगा, हमेशा मीठा, तीखा, हर चीज. तो हमारी फिल्मों में ड्रामा, रोमांस, एक्शन सब कुछ होना चाहिए. सो इट्स अ डिफरेंट फॉर्मेट. तो हमने एक मैं अपने सारे इंटरव्यूज में कहते हैं कि हमारी जो फिल्म है एक फिक्शनलाइज्ड ड्रामेटाइज्ड टेलिंग है कि उस वक्त जो कुछ भी हुआ था हमारे देश में. तो अगर आप एक प्रॉपर हिंदी फिल्म, मसालेदार हिंदी फिल्म देखना चाहते हैं तो आप बिग बुल जरूर देखिएगा. लेकिन स्कैम वॉज फैंटास्टिक, एवरीबडी वॉज ग्रेट. मैं जब भी मुझसे पूछते हैं कि आपको कंपेयर किया जाएगा, मैंने कहा कि भैया देखिए मैं उस लायक हूं नहीं कि मैं उन एक्टरों के साथ कंपेयर किया जाऊं, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है. हमने जो मुझे बेस्ट आता है मैंने करने की कोशिश की है. मुझे लगता है कि हमने एक अच्छी फिल्म बनाई है. अभी आज रात 7:30 बजे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आ जाएगी फिल्म, तो आप लोग तय कीजिए आपको कैसा लगे. बट वी मेड अ गुड एंटरटेनिंग फिल्म, सो आई होप यू लाइक इट. नहीं, वी विल श्योरली गोइंग टू वॉच इट. आई एम आल्सो गोइंग टू शेयर द रिव्यू. एंड बहुत सारे लोगों ने तो मुझे ऐसे ही बोल दिया कि यू नो व्हाट, अगर स्कैम अगर नहीं भी आई होती, अगर ये अगर सिचुएशन होती कि स्कैम नहीं आई है और द बिग बुल आई है, तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन यू प्लेइंग अ गुजराती कैरेक्टर. देयर इज अ कनेक्ट ऑफ द ऑडियंस ऑल्सो कि नहीं यार ये जो बिजनेस की बात है उसमें अभिषेक बच्चन जब प्ले करते हैं, ऐसा नहीं है नॉट ओनली अबाउट गुरु, जैसे ब्लफ मास्टर की अगर हम बात करते हैं. सो वी लव्ड योर कैरेक्टर. Thank you. We loved your character in Dostana also. We loved you in Refugee also. We Gujarati आपने देखा होगा, महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा बिजनेस अगर बॉक्स ऑफिस पे कहीं से होता है तो वो गुजरात है. हमारे पास एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ पिक्चर है क्योंकि हमारे यहाँ दारू नहीं होती है. So, हमारे यहाँ दारू नहीं है तो पब्स भी नहीं है. हम वीकेंड में सबसे ज्यादा फिल्में देखते हैं, बुरी है या अच्छी है. मैं जब रिव्यू भी करती हूँ तो मैं रेटिंग नहीं देती. मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि कितने रुपए में देख सकते हैं, मतलब 500 की टिकट है, 200 की है या 300, पर देखनी जरूर चाहिए. मैं ये भी मानती हूँ कि अगर कहीं ना कहीं फिल्म अच्छा नहीं करती तो वो एक्टर की भी गलती नहीं होती, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अ विजन ऑफ डायरेक्टर एंड द पीपल हु इन्वेस्ट मनी इन द फिल्म. एंड आपके प्रोड्यूसर जो है आनंद पंडित, ही इज ऑल्सो अ गुजराती, सो देयर शुड बी अ कनेक्ट ऑफ अ गुज्जू थिंग. वो जो ट्वीट भी था वो यही था कि कनेक्ट मुझे सुनने में आया है कि आप अजय के भी बहुत बड़े फैन हैं.
मैं बहुत बड़ी उनकी फैन हूँ, एंड अजय देवगन का भी गुजरात कनेक्शन बहुत अच्छा है. यू नो अभिषेक आप है, अजय देवगन है, अक्षय कुमार है, इन सबकी फिल्म की ओपनिंग कभी आप देखना गुजरात के बॉक्स ऑफिस में कब, मतलब सुपर हो दिए. यहाँ पे अजय देवगन का बिजनेस का अगर हम टर्म देखें गुजरात के साथ, तो लोग यहाँ पे लड़कियां भी बिजनेस की इतनी बात करती जितने लड़के करते हैं. लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, बिगपुर में हमने ज्यादा लोकलाइजेशन करने की कोशिश नहीं की है. Yes, because it's a Hindi film. Yes, हम चाहते थे कि देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब लोग इस आदमी का जो कहानी है, इसका जो सफर है वो देखें. तो हल्का हल्का ये थोड़ा बहुत तड़का डाला है, लेकिन ज्यादा उस पे एक्सेंट पे और वो सब चीजें पे नहीं, बिकॉज वी वांटेड इट टू बी पैन इंडिया. Right. देखें ये जो कैरेक्टर है उसकी पैदाइशी मुंबई में ही है. Right. और तो वी केप्ट दैट. सो आई जस्ट फील कि बहुत बार हमारे यहाँ ऐसे होता है कि देखिए अगर हम यूपी की बात करें, मेरे पिताजी यूपी के, मेरी माता जी बंगाली है, लेकिन वो पैदाइशी उनकी हुई है जबलपुर में है मध्य प्रदेश की, क्योंकि देन शी ग्रो अप इन भोपाल. लेकिन हम लोग बंगाली को सब एक ही तरह बाबू मोशाय टाइप सोचते हैं, हालांकि है नहीं, यूपी में है, क्या लोग हैं ऐसे तो है नहीं. So we tend to do that, which is not correct. But हमने अपनी फिल्म में ये सब करने की कोशिश नहीं की. हमने कहानी सुनाई एक आदमी की, तो आप उस हिसाब से देखिएगा. तो आपने ये आदमी की कहानी जब पहली बार आपके पास आई और ये कैरेक्टर जब प्ले करने का सोचा, सो व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग यू थॉट इन योर हेड कि मुझे अगर ये कैरेक्टर प्ले करना है तो मुझे ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी, या वो फर्स्ट रिएक्शन जो होता है व्हेन यू रीड द स्क्रिप्ट वो क्या था? देखिए पहले अजय ने मुझे फोन किया था कुछ दो ढाई साल पहले कि मेरे पास एक कहानी आई है, मैं ऐसे प्रोड्यूस करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम सुनो. तो मैंने वहीं हाँ कर दिया था, क्योंकि वो बड़े भाई हैं तो उनको ना नहीं बोल सकता हूँ मैं. तो उसके बाद कुकी गुलाटी जो हमारे डायरेक्टर हैं वो मेरे पास आए और उन्होंने कहानी सुनाई. मुझे कहानी बहुत ही अच्छी लगी थी और कैरेक्टर भी बहुत ही मस्त था. तो उसके बाद पहले सोचा मैंने कि मैं हमेशा पहले सोचता हूँ कि क्या ये एक ऐसी फिल्म है जो मैं देखना चाहूंगा. राइट. कोई भी कहानी सुने तो मैं ये सोचता हूँ कि क्या एक ऐसी फिल्म है जो मैं इसे देखना चाहूंगा थिएटर में. अगर वो सवाल का जवाब हाँ है, फिर आपको ये पिक्चर करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग भी ऑडियंस होते हैं ना एंड ऑफ द डे. हम एक ऐसी फिल्म नहीं बनाना चाहते जो बस घर पे बैठ के अकेले देखें. हम चाहते हैं कि करोड़ों लोग देखें. Right. तो मुझे लगा कि हाँ इसकी जो कहानी है बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि मुझे बड़ा इंट्रीगिंग लगा ये अदिति कि एक आदमी जो एक चौल में रहता है और 5 साल के अंदर इंडिया का नंबर 1 richest man बन जाता है. सही है. So, और उसमें ये क्षमता थी कि वो 5 साल 5-6 साल के अंदर ये कर सके, और डिटर्मिनेशन और ऑब्वियसली स्ट्रीट स्मार्टनेस विच इज अ वेरी गुजराती ट्रेट. तो मुझे ये बात अच्छी लगी थी उसके बारे में. सो दैट्स व्हाट इंट्रीग मी अबाउट द स्क्रिप्ट. Interesting. So, do you really invest in stocks in your personal life? Have you ever done this stock things? साल से invest कर रहा हूँ. तो ये जो पूरा माहौल था picture का, हालांकि you know बहुत से लोग सोचते हैं कि the Big Bull देखने से पहले आपको वाकिफ होना पड़ेगा कि stock market में क्या है, उसके चाल चलन क्या है, उसके words. नहीं, ये सब ऐसा कुछ नहीं. आप एक हिंदी फिल्म देखने जा रहे हैं, इसमें कोई technical knowledge जानने की जरूरत बिल्कुल नहीं है. आप जाके बस एक अच्छी फिल्म देखिए, एक इमोशनल फिल्म देखिए, एक ड्रामेटिक फिल्म देखिए. तो यू डोंट नीड टू नो. बट यस, आई जो माहौल है, जो बैकड्रॉप है दलाल स्ट्रीट का, स्टॉक मार्केट का, वो तो मैं कई सालों से इन्वेस्ट करते आया हूँ. तो आई वॉज वेरी अवेयर ऑफ ऑल दिस. तो मुझे कोई झिझक सी नहीं हुई कि अरे भैया ये क्या भी शब्द है, इसका क्या मायने हुआ, वो सब जानता था मैं. So, you rightly mentioned that कि हम ऐसी फिल्म बनाते हैं जो कि करोड़ों परिवार एक साथ देख पाए. एंड पिछले एक साल में स्पेशली बिकॉज ऑफ द कोरोना वेब सीरीज का कल्चर बढ़ गया है. बहुत सारी वेब सीरीज भी बन रहे हैं, बट 90% ऐसी ही होती है जो हम परिवार के साथ नहीं देख सकते. बहुत सारी फिल्में जो है वो अब OTT प्लेटफॉर्म पे आ रही है. बट ये जो नया कल्चर आया जिसमें कुछ ऐसी ही सीरीज बनती है जो आप परिवार के साथ बिल्कुल नहीं देख पाते, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट एंड हाउ इट इज डिफरेंट एज एन फॉर एक्टर कि वेब सीरीज में काम करना कैसे डिफरेंट होता है एक फिल्म से? देखिए ये एक एक्टर का पर्सनल चॉइस होता है, तो आई विल नॉट कमेंट ऑन अदर पीपल. मैंने हमेशा ये चाहा है कि मैं ऐसी फिल्में बनाऊं या वेब सीरीज बनाऊं जो मैं अपने परिवार के साथ बैठ के देख पाऊं. दिस इज माय डिजायर. और ये जो बेवजह गाली गलौज, वायलेंस
और न्यूडिटी दिखाना बेवजह मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि मौका मिला दिखाने के लिए तो दिखा दिया या गाली दे दिया, तो मुझे समझ में नहीं आता है क्यों। इफ देयर इज अ बेटर स्वीटर नाइसर वे ऑफ कन्वेइंग दैट, क्यों ना वो करें। तो मैंने हमेशा ये चाहा, अगर आप मेरी फिल्में भी देखें, मैंने हमेशा ये कोशिश की कि मैं ऐसी फिल्म बनाऊं जो पारिवारिक पारिवारिक फिल्म हो, जो सब लोग एक साथ मिल बैठ के देखें। क्योंकि मैं जब छोटा था और मैं इससे पहले कि मैं एक एक्टर बना, माई फिल्म व्यूइंग वॉज दैट। आपको शायद याद नहीं होगा, लेकिन बहुत साल पहले जब टीवी नई नई हिंदुस्तान में आई थी, तो एक ही चैनल हुआ करता था, दूरदर्शन। और संडे आफ्टरनून एक पिक्चर आती थी और वो शाम तक निकल जाती थी पिक्चर। फिर न्यूज ब्रेक होता था आधे घंटे के लिए, न्यूज आती थी, न्यूज पढ़ते थे, फिर पिक्चर फिर से शुरू होती थी। तो वो जो साथ में बैठ के देखने का जो मजा था ना, वो मैं कभी भूला नहीं हूं। हम जब भी थिएटर जाते थे जब छोटे थे, हालांकि डैड के साथ तो नहीं जा सकते थे, लेकिन माँ हमें चुपचाप ले जाती थी, वो बुरखा में रहती थी, हम लोग चुपचाप थिएटर में जाके फिल्म देखते, सब लोग एक परिवार के साथ जाते। फॉर इंडियन कम्युनिटी व्यूइंग, हम लोग बहुत ही कम अकेले जाके फिल्म देखते हैं। आप या तो अपने दोस्तों के साथ या अपने परिवार के साथ ग्रुप में जाके पिक्चर देखते हैं। तो मैंने हमेशा ये चाहा कि जब भी मैं कोई फिल्म बनाऊं, एक ऐसी फिल्म बनाऊं, एंड आई होप कि क्रिएटिवली आई ऑलवेज डू दैट। कभी ये नहीं कह सकता कि आई नेवर, क्योंकि कल कुछ कहानी ऐसे अच्छी लगी हाँ, जो, सत्य स्क्रिप्ट की डिमांड हो तो करना भी पड़ेगा। लेकिन मैंने हमेशा ये सोचा कि बेवजह ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे मुझे ये सब इंटिमेट सीन्स करने में आई गेट वेरी अनकंफर्टेबल, मुझे करने अच्छा नहीं लगता, मैं करता भी नहीं हूं। और मैंने ये ठान लिया था कि एक बार मेरी बेटी पैदा हुई थी, कि मैं ऐसी ही फिल्में बनाऊंगा जो मैं अपनी बेटी को दिखा पाऊं। और हम ये भूल भी गए हैं यार, अगर आप देखो ना, आजकल ज्यादातर फैमिली फिल्म्स बनती नहीं है। नहीं बनती है। मुझे क्यों याद नहीं? है कि आपकी फिल्में जो होती है, अजय देवगन जो आप बड़े भाई बोलते हो, उनकी फिल्मों में यही होता है ना कि आप परिवार के साथ जाके देख सकते हो। जैसे बोल बच्चन आपकी जो कॉमेडी है, जी अब कई बार आप जितनी भी कॉमेडी फिल्म्स आप लोगों ने की हुई होती है, अगर वो देखेंगे तो ज्यादातर हम लोग, वो दिवाली पे ही आती है, फेस्टिवल में आती है। हम क्या करते हैं फेस्टिवल में, क्यों ये हाउसफुल जाता है? क्योंकि हम परिवार के साथ पिक्चर एंटरटेनमेंट के लिए देखने जाते हैं। और यू आर एब्सोल्युटली राइट कि अगर आप अपनी बच्ची के साथ पिक्चर देखते हो तो उसको भी ऑकवर्ड फील नहीं होना चाहिए। सो यू आर वेरी मच ऑनेस्ट अबाउट योर ओपिनियन एंड इट्स रियली स्वीट एंड आई एम रियली हैप्पी टू यू नो टॉक टू यू लाइक दिस। आई विश वन डे आई मीट यू इन पर्सन एंड रिकॉर्ड अ बेटर इंटरव्यू विद यू। आई एम रियली इंप्रेस्ड विद आने योर के लिए थॉट। स्ट्रेट इंटरव्यू को मारो गोली, विल गो टू गोवर्धन थाल एंड ईट थाली टुगेदर, जोर फूड। हैशटैग जोरफूड पे आपको 50,000 पोस्ट मिलेगी, जहां पे आपको गुजरात में क्या अच्छा खाना मिलता है वो पता चल जाएगा। बिकॉज आई डू दैट, मैं हमेशा खाने की बहुत बातें करती हूँ डन, और यू खाती भी नेक्स्ट टाइम आई हूँ। कम टू अहमदाबाद यू टेक मी। आई विल डू दैट। आधी रात को अगर आपको भूख लगती है, मैं ऐसी ऐसी चीज आपको खिला सकती हूँ ना कि जो अपने आप मतलब माइंड बॉगलिंग होगा वो बस मुझे खाना। आमरस मत खिलाना, बस आई डोंट लाइक आमरस, कैन यू हाँ, नहीं इमेजिन। नहीं बहुत सारे लोग हैं आपके, बहुत सारे फैंस हैं जो कि ये मैसेज उन्होंने दिया है कि अभिषेक को आप लाइव में बोलना कि बिग बुल हम डेफिनेटली देखने वाले हैं, ओह थैंक यू, बिकॉज वी रियली लव टू सी यू परफॉर्मिंग अ गुजराती कैरेक्टर। ऐसा नहीं है, अगर आप बंगाली कैरेक्टर भी प्ले करते तो भी वो देखते, क्योंकि आपको पता ही होगा ब्रीद के लिए आपको कितना प्यार मिला है गुजरात से भी। आई जी ऑलवेज से गुजरात बिकॉज आई रिप्रेजेंट दैट स्टेट। सो इनिशियली आई यूज टू वर्क इन रेडियो फॉर 8 years एंड दिस इज माई ओन स्टूडियो जहाँ पे अभी मैं बैठी हूँ। ओह ग्रेट, सो व्हाट रेडियो स्टेशन डिड यू वर्क फॉर? Red FM 93.5। बजाते सो आई रहो। वॉज द इवनिंग प्राइम टाइम RJ फॉर 8 years इन अहमदाबाद। ओह वाओ यस, आई लेफ्ट रेडियो इन 2015 और जैसे कि हर गुजराती को ऐसा होता है कि 30 की हो जाओ उससे पहले खुद का कुछ करना है। बट मेरा प्रॉब्लम पता है अभिषेक क्या होता है, मुझे हमेशा ये होता है कि आप जैसे जो भी एक्टर है जो हमारे शहर में आते हैं तो उनके साथ एक ऐसा इंटरव्यू किया जाए जिसमें कोई ब्रांडिंग ना हो, जिसमें कोई फोर्सफुली कंटेंट ना हो। जैसे कि अभी वी आर टॉकिंग वेरी कैजुअली, बिल्कुल बिल्कुल, ब्रांड्स के साथ ये हो जाता है या मीडिया के साथ ये हो जाता है कि तुम्हें वही बोलना है जिसके तुम्हें पैसे मिलते हैं। वो एंड भी आई स्टार्टेड माई स्टूडियो जस्ट टू इंटरव्यू पीपल लाइक यू, बिकॉज व्हेन द फिल्म इज रिलीजिंग एंड यू आर टारगेटिंग गुजरात टू प्रमोट द फिल्म, आई फील कि जो बॉम्बे या दिल्ली के जो इंटरव्यूज होते हैं वो काफी टेक्निकल होते हैं। हम एज एन ऑडियंस बहुत अलग है, हमको आपकी आपके बारे में वो भी, जैसे कि ये पूरे इंटरव्यू में से मैं बैक लगाती हूँ, सबसे ज्यादा अगर लोगों के दिल को छुई होगी तो वो वाली बात होगी कि मैं अपनी बेटी के साथ पिक्चर देख सकता हूँ। तो आई वो बोलते हैं ना कि नर्व जानती हूँ मैं अपने ऑडियंस की,
सो और ये ऐसा नहीं कि मैं जानती हूँ सिर्फ आपके बारे में, पीपल वर ऑल्सो प्रेजिंग कि अभिषेक बच्चन ने आज तक ट्विटर पे अगर उसको कोई ट्रोल भी करता है वो हमेशा हम्बली रिप्लाई करते हैं, एंड दे रियली वॉन्टेड टू नो कि आप ये कैसे मैनेज करते हो, बिकॉज आजकल सोशल मीडिया काफी यू नो टॉक्सिक हो गया सबको, जस्ट इमेजिन डिजिटल ब्रेक चाहिए. हाउ डू यू मैनेज टू बी सो काम एंड अमेजिंग? I'm a pretty cool guy, Aditi. मैं ज्यादा कुछ मुझे हिला नहीं दे सकता है, क्योंकि अगर आप देखें, अगर कोई मुझे गाली दे रहा हो भले मलमल में लपेट के, लेकिन मैं अगर वापस गाली दूं तो मैं उनके लेवल पे चला गया ना. राइट. तो कहने की कोशिश कर रहे हैं वो, समझने की कोशिश करता हूँ. एक बार वो समझ गया उसका मैं ठीक सही ऑनेस्ट जवाब दूंगा. और मेरे बात करने का तरीका ही ऐसा है, मुझे जरूरी नहीं लगता है कि मैं गाली दूं या रूड बनूं. हाँ, अगर आप जरूरत से ज्यादा करेंगे तो आपसे बातचीत ही नहीं करूंगा ना. अगर मैं सोशल मीडिया पे हूं तो यू हैव एक्सचेंज ऑफ डिस्कशन. तो अगर आप मुझे कुछ रूड किस्म का कुछ ट्वीट मार दें, मैं उसका अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से जवाब दूंगा. अगर उसके बाद आप बस गाली गलौज पे उतर आएंगे तो मैं आपको जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि कॉन्वर्सेशन वहां खत्म हो गई है ना. राइट. गाली देने नहीं आया हूं. हाँ. तो सिंपल एज दैट. इफ यू आर रेडी टू इंडल्ज इन फ्रेंडली बैंटर, फिर मैं तो तैयार हूं, आ जाओ चलो. एंड ऑल्सो मुझे लगता है ना, हम लोग कुछ ज्यादा सीरियस हो जाते हैं यार. वी टेक आवरसेल्फ, थोड़ा हंसी मजाक रहना चाहिए. डोंट टेक योरसेल्फ सो सीरियसली यार. एंड बहुत बार कोई मीम बनाए या ट्वीट बनाए, बहुत फनी होते हैं यार. हाईली क्रिएटिव भी होते हैं, पता है, अपने मीम जो बनते हैं वो बहुत क्रिएटिव होते हैं. और कोई अच्छा ऐसे बनाए तो आई लाफ एट इट. उनकी भी एक अलग दुनिया है मीम्स वालों की, वो भी कहीं ना कहीं इस स्ट्रेसफुल माहौल में कहीं ना कहीं हंसाते हैं कुछ भी करके. बिल्कुल बिल्कुल. बट ये पूरा साल बहुत ही डिफरेंट रहा, एंड एज एन एक्टर आप लोगों ने हमेशा कॉन्ट्रीब्यूट किया है, लोगों को अवेयरनेस फैलाई है मास्क पहनने के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए. एंड नाउ योर फिल्म इज ऑल्सो रिलीजिंग टूडे, स्ट्रीमिंग, रिलीजिंग नहीं बोलती मैं, स्ट्रीमिंग ऑन द OTT प्लेटफॉर्म 7:30 को होने वाली है. मैं आपको सबको बता दूंगी क्या सीन है, मैं 9:30 को बता दूंगी आपको. बट एक एक्टर की लाइफ में नहीं, बट अभिषेक बच्चन की लाइफ में पिछले एक साल में क्या फर्क पड़ा, ये जो पूरी सिचुएशन थी हमारी सबकी? Well, सबसे पहले जब मार्च पिछले साल लॉकडाउन हुई थी तो सब लोग घर पे बैठे हुए थे, और ऐश्वर्या ने मुझे एक अच्छी बात कही. एक दिन मैं ज्यादा उत्सुक हो रहा था, बोला था कि यार ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. And as usually wives do, they calm you down and put sense into your head. तो ऐश्वर्या ने कहा कि आपने कभी सोचा है कि आपको भगवान ने ये मौका दिया है अपने जीवन में पहली बार अनइंटरप्टेड अपने परिवार के साथ समय बिताने का. हम सब एक ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, मेरे माता पिता, ऐश्वर्या, मैं और आराध्या. लेकिन हम लोग सब अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि बहुत बार ऐसे भी होता है कि हालांकि एक ही छत के नीचे रहते हैं लेकिन कई दिनों तक एक दूसरे को मिलते नहीं है. माँ जो है आधा वक्त दिल्ली में रहती हैं, क्योंकि पार्लियामेंट, वो राज्यसभा मेंबर हैं तो वो दिल्ली में रहती हैं. फिर डैड शूटिंग करते हैं, ऐश्वर्या शूटिंग में व्यस्त रहती है, या आराध्या के साथ और उसके स्कूल के साथ व्यस्त रहती है, मैं शूटिंग में व्यस्त रहता हूँ. हमारे टाइमिंग्स एकदम अलग होते हैं. तो कई बार ऐसे होता है कि दिनों तक एक दूसरे से मिलते नहीं है, और पहली बार हमें ये मौका मिला कि एक ही छत के नीचे रह के हम सब एक साथ मिल बैठ के खाना खा सके, समय बिता सके. तो ये एहसास हुआ कि हमारा जो परिवार है वो स्वस्थ रहे और खुश रहे, इससे बड़ी बात और कुछ है नहीं. हम लोग दिन रात मेहनत क्यों करते हैं अदिति, अपने परिवार को खुश देखने के लिए, वो स्वस्थ रहे. फिर बीच में डैड, ऐश्वर्या, आराध्या, मुझे सबको कोविड हो गया. फिर वो कोविड से जूझ के जब निकले हम लोग एक एक करके हॉस्पिटल से, फिर ठीक हो गए. फिर जैसे ही हमें मौका मिला कि अपनी पिक्चरें खत्म कर सके तो उसमें मैं फिर से शुरू हो गया. तो करीबन सितंबर पिछले साल से मैं शूटिंग कर रहा हूँ. लेकिन एक चीज जो मुझे समझ में आ गया कि बहुत सारे प्रायोरिटी सिस्टम्स जो है ना हमारे, वो बदलने चाहिए. हम कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा मटेरियल हो गए कि यार गाड़ी ले लूं, ये ले लूं, लेकिन ये सब का क्या फायदा है अगर आपके इर्द गिर्द जो आपके प्यार करने वाले हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, आपके परिवार वाले हैं, अगर वो ना रहे आपके साथ.
सो कीप दैट इन माइंड. आई थिंक दैट हैज बीन द बिगेस्ट डिफरेंस. इसके बाद वैसे भी जो कुछ भी आपको प्राप्त करना है जीवन में, जो कुछ भी करना है आपको, उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको, वो करते रहिए. सो जितनी भी हम मेहनत करते हैं, हम पैसे कमाएं या कुछ भी करें, खुशियां तभी अच्छी लगती है जब बांटने के लिए अपना परिवार साथ में होता है. दैट इज द बिगेस्ट लर्निंग पॉइंट ऑफ दिस ईयर फॉर अभिषेक बच्चन. एंड आई एम सो हैप्पी दैट आपने इतना सारा वक्त दिया है अभिषेक. मैं एक्चुअली आपको पूछने वाली थी इन द बिगिनिंग कि आपके पास कितना टाइम है, बट मुझे ऐसा लग रहा है मैंने ज्यादा ही टाइम ले लिया आपका. हाँ, आई हैव टू गो, मेरा एक इंटरव्यू सेशन है अभी 6:45 बजे. यस. सो आई जस्ट वांटेड टू से दैट थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी. Thank you, Aditi. I have to thank you for, you know, just doing all the work. And it's so nice. मुझे इतना अच्छा लगा. मैंने पगलेत की बात इसलिए की क्योंकि, you know, बहुत कम हमें ऐसे reviews मिलते हैं जो critical नहीं रहते फिल्म की intention के लिए. देखिए, हर कोई चाहता है कि वह अच्छी फिल्म बनाए. हम कोई ऐसे ये नहीं निकलते कि भैया आज audience को पकाने वाले हम लोग. You know? So that, and it takes a lot. मैंने कभी कोई फिल्म की बुराई नहीं की है. मैं अगर मेरे दोस्त कहीं मुझे बुलाए फिल्म देखने, वो बोलते हैं यार इसके बारे में ट्वीट कर दो, मैंने कभी ये नहीं लिखा है कि ये खराब है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक फिल्म बनाने में कितनी संघर्ष करनी पड़ती है. वो मैं और, भी जानती हूँ, मैं भी रीजनल फिल्म की प्रोड्यूसर रह चुकी हूँ. करेक्ट, इट्स हार्ड वर्क. सो आई हैव फुल रिस्पेक्ट. सो आई, यू नो, थैंक यू फॉर बीइंग सो पॉजिटिव, थैंक यू फॉर बीइंग सो हैप्पी एंड स्प्रेडिंग सो मच लव. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपको मेरी फिल्म अच्छी लगे. आई लुक फॉरवर्ड टू रीडिंग योर रिव्यू. Good or bad, whatever, I know you'll be honest, you'll be fair. जो कुछ भी है, अगर फिल्म अच्छी लगे धन्यवाद, अगर अच्छी ना लगे मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि इतनी मेहनत करूंगा कि अगली फिल्म जो है आपको अच्छी लगे. अगर मुझे शायद 1% भी फिल्म अच्छी नहीं लगेगी तो वो उसमें आपके मेहनत की कमी नहीं होगी. वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा जो सबकी मेहनत एक साथ मैच होने में हमको वो डिलीवर नहीं कर पाई होगी. एज अ रिव्यूअर बोलो, मैं आम जनता रिव्यूअर बोलती हूँ, मैं क्रिटिक नहीं हूँ. मैं हमेशा फिल्मों में यही देखती हूँ कि बुरा क्या है, अच्छा क्या है. ठीक है, शायद किसी गाने ने मुझे पकाया, बट मुझे तो ये हीरो ने मजा करवाया. मैं यही बोलती हूँ, मैं हमेशा सबको बोलती हूँ ये चीज मुझे अच्छी लगी. और मुझे बहुत जब बुरी लगती है, बहुत बुरी, तब जाके मैं ऐसा बोल देती हूँ कि भाई मत, पैसे मत वेस्ट करना, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट मनी. बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो हम्बल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन दिस इंस्टाग्राम लाइव. एंड आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू इन फ्यूचर जब कोविड सिचुएशन बेटर हो जाए. एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. आपका परिवार अच्छा रहे. आप भी अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, मास्क पहन रखिए. आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, प्लीज स्टे सेफ. या यू टू. थैंक यू सो मच अभिषेक. टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव.